इंस्टा फीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इस समय आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताएं कि इस समय जो है फरीदाबाद के मिलन वाटिका में है और दरअसल बताएं कि यहां पर जो है आरएसएस का एक खास प्रोग्राम चल रहा है, जहां एक ओर सरकार महिलाओं को आरक्षण दे रही है, वहीं आरएसएस जो है महिलाओं को इसकी जानकारी देकर एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ आरएसएस के तमाम जो है पदाधिकारी मौजूद हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं गंगा शंकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। तो आज जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्या है, एक बार इसके बारे में देखिए। 21वीं शताब्दी यानी पूरे के पूरे 100 वर्ष महिलाओं को समर्पित, मुख्य रूप से जो महिलाएं देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जो भूमिका निभाती हैं, शायद पर्दे के पीछे रह के करती हैं, लेकिन वो पर्दे के सामने आने की आवश्यकता है। और इसी के लिए पूरे देश में 550 ऐसे ही संवर्धनी समागम, ये कार्यक्रम अपने आयोजित हो रहे हैं और उसी कड़ी में अपना ये फरीदाबाद विभाग का अपना ये कार्यक्रम। ऐसे में अब फिलहाल कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को जो है यहाँ पर जागरूक किया जाएगा, कुछ टारगेट वगैरह? देखिए, हमने सारी महिलाओं को नहीं बुलाया अभी, हमारा क्योंकि संभव ही नहीं, हज़ारों की संख्या में हो जाएंगे। आज जो हमारा टारगेट था, जो कोई ना कोई एनजीओज हैं या महिलाओं के जो संगठन तलते हैं, उनके प्रमुख पदाधिकारियों को हमने आमंत्रित किया है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, यहाँ पर पंजीकरण भी कर रहे हैं, तो कितने पंजीकरण हो? लगभग 2000 से क्रॉस कर चुके हैं और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि बहनों की अभी लाइन लगी हुई है और अनेक बहनें दूर दराज के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आ रहे हैं अपनी भूमिका को निर्वहन करने के लिए। और बात करते हैं जी, मैम क्या नाम है आपका? मैं सीमा भारद्वाज जी। क्या कहना चाहोगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? जैसा कि माननीय श्री गंगा शंकर मिश्र जी ने बताया आपको कि ये एक ऐसा समागम है, बल्कि मैं तो कहूँगी गागर में सागर भरने की बात है, कि महिलाओं को अपनी भूमिका में तो वो सदैव ही रही हैं, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पहले भी थी, आज भी है और अग्रणी रहेगी। इसलिए उनके विचार जानने के लिए, उन्हें और ज़्यादा जागरूक करने के लिए, सशक्त करने के लिए इस समागम का आयोजन किया गया। जी, और बात करते हैं मैडम, आप क्या कहने चाहोगे? जी नमस्ते। संवर्धनी समागम, एक महिलाओं का समागम जिसमें हम महिलाओं के बीच अनेक विचार, जो सकारात्मक विचार है, उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां महिलाएं पीछे रहकर, जैसा भाई साहब ने बताया, पीछे रहकर काम कर रही हैं, अब समय है कि उनको आगे आकर काम करना चाहिए, अच्छे विचारों को समाज में पहुँचाने के लिए। कि समागम है जिसमें अनेकों क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं, बस्तियों से महिलाएं आई हैं, कॉलेज से बहनें आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं, कि जब अब समय है, वो समय आ चुका है जहां पे महिला, जब मानते हैं कि महिला एक ऐसी जरिया है जिसे दो परिवारों को संस्कार दिया जा सकता है, तो वहां महिलाओं को आगे आकर सीखने की ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है जहां महिलाएं सीखना चाहती हैं, उसका एक उदाहरण है संवर्धनी समागम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो ये हमारा कार्यक्रम हुआ है, ये महिलाओं के लिए ही है। वैदिक काल से जो महिलाएं हैं, वो वर्किंग तो हैं, काम कर रही हैं वो, लेकिन क्या है कि आज वैदिक काल से लेकर अब तक देखें, उनकी भूमिका जो है वो आदित्य रही है। इस कार्यक्रम का पर्पस हमारा ये है कि जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमा रही हैं, किसी ना किसी तरह से उनको सामाजिक दृष्टि से जोड़ा जाए, जिससे समाज और देश का विकास हो सके। हमारे 3 सत्रों में रहने वाला कार्यक्रम है, 3 सत्रों में महिलाओं के ऊपर ही विषय रखे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस समागम में यही कहना चाहूँगी, जहाँ पे महिलाओं की जो कार्य कर रही हैं, जो आधुनिक कार्य कर रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान भी हमारी महिलाएँ देंगी। यही समागम के जरिए हम अपनी समस्याओं का भी, जो महिला आधुनिक कार्य कर रही हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान भी हम महिलाओं के द्वारा भी है। और सभी सत्रों के लिए स्वागत है सभी महिलाओं का। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं राष्ट्रीय सेवा समिति से जुड़ी हुई हूँ। और हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बहनों को आगे लाने के लिए, उनकी जो दबी हुई प्रतिभाएँ हैं कि वो भी लीडर बन सकती हैं, आगे उभर के समाज में आ सकती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि वो भी आगे आएं और अपनी प्रतिभाओं को समझें और उनको उजागर करें, समाज के सामने रखें कि हम भी सशक्त हैं हर कार्य में। आकर्षण है कि ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम, इसमें किसी पुरुष की कोई भागीदारी नहीं, कोई सहभागीदारी नहीं, सारी की सारी महिलाओं ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा प्रबंधन किया है और महिलाओं को बुलाने का से लेकर के सारा काम इन्हीं के द्वारा किया गया। और केवल यही नहीं, पूरे देश में यही हो रहा है। तो ये इनकी प्रबंधन क्षमता निखर कर के जो आएगी,
प्रबंधन, जैसे घर का प्रबंधन होता है, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों का भी प्रबंधन हमारी बहनें कर सके, ये आकांक्षा के साथ ही हमारा कार्यक्रम पूरी बागडोर जो है महिला संभाल सके उस लेवल। बिल्कुल, महिला संभालती ही है। आज क्या है कि वो समाज के सामने आए, राष्ट्र के सामने आए, राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी ये महिला शक्ति अपने आप को उस लेवल तक लेके जाए, इसके लिए उनकी शक्ति संवर्धन करने के लिए और सही कहा जाए प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम।